अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो मोनेटाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। तो देखेंगे यहां पे ये क्लासिफाइड साइट है, जहां पे आप देखेंगे गूगल एड्स अप्रूव है इस क्लासिफाइड साइट पे, ठीक है। और यहां पे देखेंगे ये भी क्लासिफाइड साइट है, इस पे भी गूगल एड अप्रूव है। और यहां पे आ जाएंगे तो ये भी एक क्लासिफाइड साइट है, इस पे भी गूगल एड अप्रूव है। तो ये काफ़ी आसान है गूगल एड से पैसे कमाना। इसके बाद आप मोनेटाइजेशन से पेड लिस्टिंग से भी कमा सकते हैं, यानी अगर कोई आपकी साइट पर लिस्ट करता है तो उसके लिए चार्जेस ले सकते हैं, $5, $6, $10, जो भी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का, क्लासिफाइड साइट बना के स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से गाइड मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देखना आप। तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये एक लिंक इस तरह का दिखेगा, इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे समर सेल चल रहा है इस समय होस्टिंगर का, जहाँ पे 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा होस्टिंग पे। होस्टिंगर की जो सबसे खास बात है, यहाँ पे मनी बैक गारंटी मिलता है, यानी कि अगर आप कोई होस्टिंग परचेज करते हैं और आप उसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो 30 दिनों के अंदर अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा खरीदने से पहले। तो यहाँ पे हम क्लेम डील पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लेम डील पे जैसे क्लिक करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर में हमें बिजनेस वेब होस्टिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि 269 रुपी पर मंथ है। बट हमें इसे नहीं लेना है अगर, तो हम सिंपल सा यहाँ पे आ जाएंगे और देखेंगे हमने जो होस्टिंग का ऑफर देखा था 149 रुपी पर मंथ में, ये ऑफर यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपल सा ऐड टू कार्ट पे, और इसके हम अगले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं जब आप होस्टिंगर का ये होस्टिंग प्लान खरीदते हो। जैसे कि आप देखेंगे 100 वेबसाइट के लिए ये होस्टिंग काम करेगा, यानी इस होस्टिंग पे आप 100 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रैफिक है, कितना भी ट्रैफिक आए कोई लिमिट नहीं है। 24/7 जो है होस्टिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। अनलिमिटेड SSL मिलेगा, यानी आप कितना भी डोमेन लगाते हैं SSL का कोई भी चार्ज आपको देना नहीं है। 99.9% का अप टाइम मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वीकली बैकअप अपडेट, साथ में 100 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, और जो होस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मालवेयर प्रोटेक्शन या फिर जो नेम सर्वर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाउडफेयर की सिक्योरिटी मिलेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन आप देखेंगे यहाँ पे चूज ए पीरियड का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप टाइम के हिसाब से होस्टिंग प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 month, 12 month, 24 months और 48 months का प्लान मिलता है। तो यहाँ पे हम 48 का लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। हमें होस्टिंग मिलेगा 149 रुपये पर मंथ में, और इस पे हम अलग से डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना होगा, और यहाँ पे फेसबुक और गूगल दोनों का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस इंटर करके लॉग इन करेंगे, राइट। और देन आ जाएंगे थर्ड ऑप्शन में, जहाँ से हमें पेमेंट करना होता है होस्टिंग का। तो अलग अलग ऑप्शन है, हम UPI से मैं पेमेंट करूंगा, और यहाँ पे मुझे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और देन जिप कोड इंटर कर देना है अपना। उसके बाद देखेंगे ये होस्टिंग का हमारा प्राइस हो गया 8,439 रुपये। लेकिन दोस्तों एक और मैं आपको डिस्काउंट कूपन कोड बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल है। और यहाँ पे आप जाएंगे हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यूज करेंगे कूपन कोड 37K। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपका 10% और डिस्काउंट हो जाएगा, यानी टोटल 85% तक का डिस्काउंट आप अपने होस्टिंग पे पा सकते हैं अगर आप इस कोड को याद रखते हैं। तो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे अप्लाई पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिएगा फाइनल प्राइस क्या हो जाता है, 7,595 रुपये, जो कि पहले 8,400 था, अब 7,500 हो गया। और देन हम सबमिट टू सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से हमें पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो सबसे पहले फ़ोन नंबर एंटर करना है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दूंगा। देन UPI ID एंटर करना होगा आपको, तो यहाँ पे मैं अपना UPI ID, तो अभी मैंने पेमेंट कर लिया है, और आप देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और अब हमारा होस्टिंग जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने पैनल पे। तो अब हमारे सामने जो है होस्टिंगर का एच पैनल ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले हमें एक पासवर्ड सेट करना होता है, क्योंकि जब हम होस्टिंग में लॉगिन करेंगे तो इसी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ, और देन कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम फिर से अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड हमने सेट किया था उसे एंटर करेंगे। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेट करिए, क्योंकि ये आपके होस्टिंग का पासवर्ड है जहाँ से आप एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ।
कुछ इस तरह से हमारा होस्टिंग का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम फ्री डोमेन अपना क्लेम करेंगे जो कि हम बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लेम डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक डोमेन है इंटर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप किसी भी प्रकार का डोमेन आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डोमेन लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये डोमेन अवेलेबल है, तो ये हमें तुरंत मिल गया और हम इसे क्लेम डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये फ्री एक साल के लिए हमें मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल जो जिसके लिए हमें कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा डोमेन जो है हमें बिल्कुल फ्री में मिल गया है। थोड़ा सा टाइम लगता है सेटअप होने में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप किस तरह का ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कंपनी के नाम से यहाँ पे सेटअप करते हैं तो आपको GST में हेल्प मिलता है, या फिर जो डोमेन पे खर्चे होते हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट हम पर्सनल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना होगा, तो मैं अपना इन्फॉर्मेशन इंटर कर देता हूँ और हम अपना रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटी, एड्रेस, और देन फ़ोन नंबर हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है, और फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा डोमेन जो है वो सेटअप हो जाएगा और देन हमें बस होस्टिंग अपना सेटअप करना होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, तो वो प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब फिर से हम होम पे आ जाएंगे और देखेंगे हमारा जो होस्टिंग है अभी सेटअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे, सेटअप पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर समवन एल्स, आई ऑलरेडी हैव ए वेबसाइट। तो यहाँ पे सिंपल सा हम करेंगे आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ पे क्लिक। तो यहाँ पे आई एम बिल्डिंग इट फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ब्लॉग रहेगा या बिजनेस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये होस्टिंग हर तरह के वेबसाइट के लिए, हर तरह के नीच के लिए सही है। तो जैसे ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, बिजनेस, पोर्टफोलियो, अदर्स पे आ रहा है, तो हम ब्लॉग अभी बना रहे हैं तो हम ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे। और देन आई एम बिगिनर या फिर जो भी ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं अभी स्किप करने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना डिटेलिंग में मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे चीज़ें पता है। तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक करूँगा और देन क्रिएट ए न्यू वेबसाइट या माइग्रेट फ्रॉम वेबसाइट। अगर आपका वेबसाइट ऑलरेडी कहीं पे है तो वहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्रिएट न्यू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट पे करेंगे, राइट। वर्डप्रेस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको ध्यान देना है। अगर आप होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो UI देखने को मिलेगा बिल्कुल अलग होगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो इसलिए हमेशा ध्यान से वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे करने के बाद आप देखेंगे आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो कि आपके वर्डप्रेस लॉगिन का होगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर कोई प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, बट इसमें से मैं कोई भी प्लगइन ऐड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ पहले से थीम दिए हुए हैं वर्डप्रेस के, जिन्हें हम चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये थीम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और ये थीम हमारे डोमेन के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप जो अभी आपने डोमेन परचेस किया है जो होस्टिंगर पे है उसे ऐड करना चाहते हैं या कोई और डोमेन ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे बेसिक तरीका ये है कि जो आपको एक साल का फ्री मिल रहा है वो ऐड करिए। अगर आप GoDaddy या अदर प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर की मदद से उसे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है सर्वर का लोकेशन पूछ रहा है। यहाँ पे सर्वर का लोकेशन बहुत ही ध्यान से आपको इंटर करना होता है, क्योंकि अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे एक बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, नहीं तो आप चाहें तो अलग अलग कंट्री जैसे नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, USA, तो फ्रांस, अलग अलग देश के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं का भी लोकेशन आपको मिल जाएगा। और देन हम फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जब ये सेटअप होता है। देखेंगे आप यहाँ पे, आप देखेंगे हमारा वेबसाइट जो है कंप्लीट सेटअप हो गया है। तो यहाँ पे आपको देखने को दो ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट बिल्डिंग और वेबसाइट विथ वर्डप्रेस राइट नाउ, गो टू होस्टिंग जो है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे हम मैनेज साइट पे क्लिक करते हैं और अपने होस्टिंग पैनल में चले जाते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे होस्टिंगर का डैशबोर्ड कंप्लीट, यहाँ पे फाइल मैनेजर और यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके होस्टिंग पैनल में अगर कुछ चेंज करना है, लाइक फाइल मैनेजर में सारे आपके सेटअप होते हैं, जैसे प्लगइन थीम में सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी फाइल्स आप यूज करते हो वो सारे फाइल्स यहाँ पे होते हैं।
तो अभी हम देख लेते हैं हमारा वेबसाइट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपल सा हम जाएंगे इसको ओपन करेंगे और हम इसको कन्वर्ट करने वाले कंप्लीट क्लासिफाइड यानी लिस्टिंग वेबसाइट के बारे में, जहां पे हम सर्विसेज को लिस्ट करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं आपको। तो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद हम प्लगइन्स सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे पहले प्लगइन हाईप्रेस, और ये एक लिस्टिंग प्लगइन है और यहाँ पे हम लिस्टिंग डायरेक्टली ये सारी क्लासिफाइड तरीके की साइट बनाते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हाईप्रेस जैसे ही एक्टिवेट होता है सिस्टम में देखेंगे तीन नए ऑप्शन बन जाते हैं, एक हाईप्रेस का, एक लिस्टिंग का और एक वेंडर्स का, राइट। हाईप्रेस में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि आप देखेंगे वेंडर्स, यूजर्स, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे एक्सटेंशन नाम का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना है और हम कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हाईप्रेस पे बहुत सारे एक्सटेंशन मिलते हैं, अगर आप चाहें सारे एक साथ खरीद सकते हैं, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है उस पर करंट टाइम में, 199 में आपको ये पूरे सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। बट अगर आपके बिजनेस के हिसाब से, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस या फिर कोई भी लिस्टिंग बिजनेस जो कि प्रीमियम क्वालिटी का हो, तो उसके लिए आप इसमें से जो भी आपकी रिक्वायर हो, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, बुकिंग हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, लाइक मेंबरशिप हो गया, सोशल लॉगिन हो गया, सोशल लिंक्स हो गया, SEO हो गया, ये सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हो। बट अभी हम फ्री बना रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्री वाली चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये नीचे कुछ फ्री प्लगइन्स हैं, तो यहाँ पे हम ये इंस्टॉल करेंगे रिव्यू का। यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे अपने हाइव में और देन एक्सटेंशन, और फिर से हम जाएंगे यहाँ पे जियो लोकेशन का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम एक्टिवेट कर देंगे। तो अभी हम दो प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी और भी प्लगइन्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ही दिखाऊं, हाईप्रेस में आते हैं एक्सटेंशन में, एक फेवरेट है जिसे लिस्टिंग को कोई भी 20 लिस्ट में या अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो ये चार प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे और ये चार प्लगइन का नाम आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर कह लीजिए कि ये हाईप्रेस का नाम याद रखिए, बाकी सारे एक्सटेंशन इसमें मिल जाते हैं डायरेक्टली। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, थीम, क्योंकि थीम बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिनकी थीम उनके अकॉर्डिंग बनी होती है ताकि वो उसके लिए कंपैटिबल हो, वहाँ पे सारी चीज़ें सही से हो जाएं। तो ऐसे ही हाइब के लिए भी अपना इनका ऐसी एक थीम है जिसका नाम है लिस्टिंग हाइब, और ये थीम आप एक्टिवेट जैसे करेंगे या फिर सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये थीम स्टार्ट हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा आपके वेबसाइट पे, राइट। और ये सारे सेटिंग करने के बाद अब हम आ जाएंगे अपने हाइब में। हाइब में आने के बाद हम यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। हाइब सेटिंग में आने के बाद देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, लिस्टिंग, रिव्यू, वेंडर्स, यूजर, जियोलोकेशन, इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले पे दिखने वाली हैं वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहला है लिस्टिंग पेजेस, तो यहाँ से लिस्टिंग पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग पेज डिस्प्ले कैटेगरी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे ऑप्शन होता है डायरेक्टली आप चूज कर सकते हैं तो उसका दिक्कत नहीं है। रेगुलर लिस्टिंग पेज, आठ लिस्टिंग दिखेगा ये ऐसे रहने देते हैं, फीचर लिस्टिंग पेज दो, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे सर्चेज में आ जाएंगे कि अगर कोई लिस्टिंग को सर्च करना चाहता है तो दो तरीके से सर्च कर सकता है, कैटेगरी और उसके कीवर्ड के हिसाब से, राइट। यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन है और जितने भी ऑप्शन आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सबमिशन में आप देखेंगे सबमिशन टर्म्स एंड पॉलिसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबमिशन में अलाउ सबमिट न्यू लिस्टिंग, कोई भी यूजर जो है एक नया लिस्टिंग सबमिट कर सके यानी नया क्लासिफाइड साइट बना सके तो अलाउ है। मॉडरेशन, मैनुअल अप्रूवल रखेंगे यानी जब कोई क्लासिफाइड साइट बनाएगा तो तुरंत पब्लिश नहीं होगा जब तक कि एडमिन उसे अप्रूव नहीं कर देता है, राइट। यहाँ पे रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, अगर कोई स्पैम क्लासिफाइड साइट बना रहा है तो यूजर उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपायरेशन डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई नया क्लासिफाइड साइट पब्लिश हो रहा है तो कितने दिन तक वो उस पर रह सकता है, लाइक नॉर्मली 2 महीने, 1 महीने, कोई 180 दिन ऐसे करते हैं, राइट। ये सारे करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब आते हैं रिव्यू वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्लासिफाइड यानी बिजनेसेस होते हैं जो लिस्टिंग में होते हैं उनके नीचे रिव्यू कई सारे रहते हैं, राइट। तो उसमें ये रिव्यू का ऑप्शन है कि इसमें जो रिव्यू है वो डायरेक्टली अप्रूव हो जाए या फिर कोई एडमिन द्वारा मैनुअल अप्रूवल के बाद जब भी कोई रिव्यू सबमिट करता है, तो ये मैंने अलाउ कर दिया है डायरेक्टली। अगर आप मैनुअल मॉडरेशन में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है।
देन वेंडर्स वाले ऑप्शन में आते हैं, ये जो वेंडर पेज है वो कैसा दिखेगा, उस पर क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए वेंडर पेज है, आप बनाना चाहें तो एक वेंडर्स पेज बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अभी कोई भी पेज नहीं दिख रहा, यहाँ पे वेंडर्स एक पेज पे 10 वेंडर्स दिख सकते हैं, उनका यूजर नेम ऊपर दिखेगा, उनको सर्च किया जा सकता है कीवर्ड और कैटेगरी के हिसाब से, और अलाउ करते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी नए वेंडर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स पे आ जाते हैं, जैसे एक वेंडर्स होंगे एक यूजर होंगे, यूजर जो इस चीज़ को देखेंगे रिव्यू करेंगे ये सारी चीज़ें। तो यूजर का ये पेज है और यहाँ पे यूजर का नाम लिखेगा पहला नाम, और उसके बाद यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा, यूजर नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, राइट। ये सारी चीज़ें आप अलाउ कर दें। यहाँ पे ईमेल का जो ये ऑप्शन है, हो सकता है आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टिक मार्क ना हो, इसे टिक कर लेना है क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है ईमेल वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जियो लोकेशन का एक ऑप्शन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जियो लोकेशन, आप किस लोकेशन को टारगेट करके अपने लिस्टिंग को बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लिस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे वेंडर्स अगर देना चाहते हैं तो कंटेंट टाइप वेंडर्स भी दे सकते हैं, बट हम लिस्टिंग केवल दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन है मैप प्रोवाइडर में, मैप बॉक्स, एक मैप बॉक्स है, एक है गूगल मैप्स, और यहाँ पे मैंने कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो भी कंट्री डालेंगे, जैसे यूएस डालेंगे तो यूएस का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी कंट्री का दो डिजिट का कोड डालेंगे वो कंट्री यहाँ पे आ जाएगी, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार में मल्टीपल कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर चाहें तो कंट्री सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज माइल्स इंस्टेड ऑफ किलोमीटर्स, आप जानते होंगे कि यूएस में माइल्स चलता है किलोमीटर की जगह, तो यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको टिक करें, राइट, चूंकि हम इंडिया को कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। इसके बाद इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे मैप बॉक्स का मतलब ये समझिएगा, यहाँ पे जो ये सेलेक्ट है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी कुछ सेलेक्ट करते हैं आप देखोगे डिटेल एड्रेस रहता है, तो एड्रेस या तो मैनुअली लिखना पड़ता है या फिर जो है गूगल से डायरेक्टली वो एड्रेस पिक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें उसका API डालना पड़ता है, जैसे गूगल मैप का API डालेंगे तो जो गूगल का जितना भी रहेगा एड्रेस वो ऑटोमेटिकली पिक होता रहेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यूजर को। तो यहाँ पे जैसे मैंने मैप बॉक्स का API डाला हुआ है, ये API फ्री में मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा मैप बॉक्स वेबसाइट पर जाकर जब अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे स्टार्ट मैपिंग फ्री, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल आपको ईमेल के साथ डालना होगा तब ये अकाउंट मिल जाएगा, और उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। बट क्या है कि अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है, टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये API डाल दूंगा, तो इसका यूज करके आप टेस्ट कर सकते हैं। और जो भी अदर लाइसेंसिंग होंगी, जैसे कि हाई प्रेस से अगर आप कुछ खरीदते हैं तो वो सारे लाइसेंसिंग यहाँ पे आप लाइसेंस की को डालेंगे, राइट। तो ये करने के बाद हम इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, सेटिंग का ऑप्शन हो गया। देन यहाँ पे ईमेल्स का ऑप्शन है एक, यहाँ पे आ जाएंगे, अगर ईमेल्स ऐड करना चाहें तो ईमेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट आप ईमेल्स वेरिफिकेशन, ठीक है, लिस्ट अप्रूवर, ये सारी चीज़ें, तो ये अभी हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। टेम्पलेट्स में जाएंगे, टेम्पलेट्स आप देखेंगे यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट्स करेंगे तो आपको जो सामने दिखने वाला टेम्पलेट्स है वो बिल्कुल मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारे लिस्टिंग बहुत सारे लोग अच्छे बनाते हैं, तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। थीम्स में आपको थीम्स अलग अलग मिल जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे ये एक थीम फ्री है जो कि हम यूज करें करंटली, तो आप देखेंगे लिस्टिंग के लिए अलग अलग थीम मिल जाते हैं जिनका यूज लोग लिस्टिंग के लिए कर सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे एक्सटेंशन में, तो एक्सटेंशन में जैसा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अलग अलग तरीके के एक्सटेंशन मिलते हैं जिनका यूज कर सकते हैं लोग। और यहाँ पे जैसे मैसेज है, फेवरेट है, पेड लिस्टिंग है, राइट, टैग्स हैं, ओपनिंग आवर्स है, SEO, ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देन लिस्टिंग का नीचे ऑप्शन आएगा, लिस्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेमो लिस्टिंग पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिस्टिंग कैसे पब्लिश करना वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ वेरीफाइड है, कुछ अनवेरीफाइड है, ये भी बताऊँगा इसका रीज़न क्या है। यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग पे नया लिस्टिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में लिस्टिंग के अलग अलग कैटेगरी, तो यहाँ पे जैसे मैंने तीन कैटेगरी बनाए हुए हैं, तो अगर कैटेगरी बनाना हो तो जस्ट यहाँ पे इसका नाम देंगे और ऐड कर लेंगे कैटेगरी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ईमेल मार्केटिंग, और यहाँ पे हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई इस तरह से, तो ये चार कैटेगरी हमारे हो गए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे रीजन्स, आप यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए रीजन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने जो रीजन्स ऐड किए हैं इस, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। जो भी आप मैप में ऐड करते जाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होती जाएंगी, जिसको आप फिल्टर आउट करके पता कर सकते हैं कि आपके साइट पे कहाँ कहाँ की जो बिजनेसेस हैं लिस्टेड हैं, राइट।
और इसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट का ऑप्शन आता है। एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन जैसे कि दो ऑप्शन हमने क्रिएट किया है, मैं इसको एडिट करके ही दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको इसका URL है, यानी जब हमारे जो लिस्टिंग है वो वेबसाइट URL उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब जो हम लिस्टिंग बना रहे हैं, जो क्लासिफाइड बना रहे हैं, वो SEO, वेबसाइट डेवलपमेंट, SEM, ईमेल मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं, तो इनके पास वेबसाइट ज़रूर होता है, राइट। यहाँ पे मार्क रिक्वायर्ड करेंगे तो मार्क हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मॉडरेशन में मैनुअली चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल सकते हैं, प्लेसहोल्डर में वेबसाइट URL यहाँ पे कर देते हैं। और इसके बाद सर्चेज में यहाँ पे इसे फिल्टरेबल भी हम कर सकते हैं, डिस्प्ले फिल्टर ऑप्शन में हम इसे नहीं सेलेक्ट करते हैं, और देन यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, देखेंगे कि किस तरह का ऑप्शन होगा, ये टेक्स्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एरिया, डिस्प्ले एरिया कहाँ रहेगा, ब्लॉक प्राइमरी रहेगा और पेज प्राइमरी रहेगा, ठीक है। आइकन अगर चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू, और आप देखेंगे यहाँ पे आइकन का भी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से अगर कुछ चाहें ऐड करना तो आइकन जैसे हम ऐड कर देते हैं तो ये आइकन भी ऐड हो जाएगा। और देन इसके हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे उसी में केवल ये दिखेगा, तो हमारे सारे कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम सारा सेलेक्ट कर लेंगे और देन अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, यानी नए फंक्शन को ऐड करने के लिए, साइट में दिखाने के लिए हम ऐड करते हैं। तो ठीक इसी तरह ईमेल वाले को हम एडिट कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैनुअल अप्रूव, प्लेस होल्डर में ईमेल डाल देता हूँ, और यहाँ पे सर्च टाइप में इसको इंक्लूड फिल्टर ऑप्शन में नहीं ऐड करता हूँ, प्राइमरी ब्लॉक्स और प्राइमरी पेजेस में, ठीक है। आइकन, और यहाँ पे हम इसको फिर से ऐड कर देंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम इसको सारे के लिए सेव करके अपडेट कर देंगे, ठीक है। लिस्टिंग में, इस तरह की लिस्टिंग में जहाँ पे बिजनेस लिस्ट करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू पे, नया एट्रीब्यूट ऐड करना हो फ़ोन नंबर का, तो यहाँ पे फ़ोन लिख देंगे, अलाउ फंड इन एडिटिंग, इसके बाद यहाँ पे मैनुअल अप्रूव, ठीक है, फिल नेम, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम हम फ़ोन नंबर देते हैं, फ़ोन। इसके बाद यहाँ पे फिल टाइप में हम सेलेक्ट कर लेंगे नंबर, यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्लेस होल्डर में डालेंगे फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज ऑफ, चूंकि हमारा इंडिया है तो हम इंडिया पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर जानते हैं कंट्री के हिसाब से होता है, आप बहुत सारे कंट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्री भी आप देखेंगे ऐड रहता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्री हम डाल देंगे इंडिया, ठीक है। डिस्प्ले इन फिल्टर नहीं, और यहाँ पे फिल टाइप ऑप्शनल है, ये हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी ब्लॉक्स और इसके बाद प्राइमरी पेजेस। इसके बाद यहाँ पे हम आइकन सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं आइकन, और इसको हम सारे के लिए सेलेक्ट करके 1, 2, 3, 4, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये सारे के लिए सेलेक्ट हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हर जगह चाहिए, तो हमने हर जगह के लिए सेलेक्ट किया है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे वेंडर्स में आप वेंडर्स भी ऐड कर सकते हैं खुद से, या वेंडर्स खुद ऐड करें, जैसे कि आप देखेंगे ये वेंडर्स मैंने ऐड किया है और ये वेंडर खुद रजिस्टर किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं एक बार और कैटेगरी को समझ लेते हैं। लिस्टिंग कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये कैटेगरी है, राइट, यहाँ पे ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी जब आप बनाते हैं ना तो इसका इमेज जरूर सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे हम एक इमेज बना लेते हैं, पहले हम एक इमेज बना लेते हैं, क्योंकि कैटेगरी के लिए इमेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इससे कैटेगरी जल्दी इजीली लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक कैटेगरी बना लेते हैं इमेज, ईमेल मार्केटिंग का, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम अपलोड कर देते हैं, और ये हमारा कैटेगरी इमेज हो गया, और देन इसको हम सेव अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से कैटेगरी इमेज लगाना बहुत ही जरूरी होता है। देन हम लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, मैं आपको एक एडमिन साइट से क्रिएट करके बताता हूँ, देन मैं आपको बताऊँगा कि एक वेंडर साइट से, यानी एक नॉर्मल यूजर कैसे उसे क्रिएट करेगा। तो ये एक एडमिन साइट से है, तो यहाँ पे हम लिस्टिंग का नाम रख देते हैं, ठीक है, गेट SEO सर्विसेस। आपने देखा होगा ऐसे लोग लिस्टिंग करते हैं, एट RS 199 पर मंथ, ठीक है। तो ये इस तरह से कैसी लाइन एक लिखते हैं, उसके बाद लिस्टिंग का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग का डिस्क्रिप्शन पेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और देन यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन में सेटिंग में यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा, तो वेंडर जो रजिस्टर करेगा, यहाँ पे मार्क वेरीफाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी रेशन डेट डालना हो तो डाल सकते हैं, बट अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे हम इमेज ऐड करेंगे, इमेज के लिए सेलेक्ट इमेज करेंगे, और जो भी इमेज ऐड करना है वो ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि सपोज मैं एक इमेज ऐसे जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार में कई सारे इमेज आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और इमेज ऐड कर लेता हूँ, ये तो देखेंगे ये दो इमेज ऐड हो गया एक समय पे।
और यहाँ पे लोकेशन डाल देंगे तो जैसे नोएडा, देखिए मैं बताया हूँ मैप बॉक्स का क्या फ़ायदा है, जैसे यहाँ पे नोएडा हम डालते हैं तो देखेंगे ये मैप बॉक्स की वजह से ये लोकेशन उठ के आ रहा है, राइट। देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा पावर्ड बाई मैप बॉक्स, तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ लोकेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे SEO, और यहाँ पे एक बार मैं सेव ड्राफ्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करने के बाद देखिए कुछ ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट आ गए हैं, जैसे कि ईमेल, फ़ोन नंबर और ईमेल, फ़ोन नंबर, URL। तो यहाँ पे एक ईमेल डालते हैं और एक वेबसाइट का URL, इसके बाद एक फ़ोन नंबर डाल देंगे। फ़ोन नंबर रैंडम सा है, ठीक है, ठीक है। एक फ़ोन नंबर हमने रैंडम सा डाल दिया, कोई भी ये फ़ोन नंबर कोई भी है, इस पर कॉल मत करना आप लोग। इसके बाद हम इसे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हमारा लिस्टिंग दिख रहा है, वेरीफाइड भी दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने हेडिंग डाला था और यहाँ पे लोकेशन, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एड फेवरेट का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैप बॉक्स का लोकेशन है, और यहाँ पे ऊपर देखेंगे फ़ोन नंबर, वेबसाइट और ईमेल का है, और यहाँ पे वेंडर का नाम है, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, और इसके बाद रिलेटेड लिस्टिंग है। तो इस तरह से लिस्टिंग बनता है, ठीक है। अब ये हो गया एक जो वेंडर्स बनाएगा यानी जो एडमिन बनाएगा वो लिस्टिंग हो गया। अगर किसी को बाहर से बनाना हो, ठीक है, तो बाहर से बनाना हो कैसे बना सकता है उसके लिए मैं बताता हूँ, बट उससे पहले हमें कुछ डिज़ाइन करना होगा ताकि थोड़ा साइट अच्छे से दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने वर्डप्रेस में जाना है, पेजेस में जाना है, एक हम लैंडिंग पेज बनाएंगे और यहाँ पे पेजेस में ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका होम पेज नाम रख देंगे, ठीक है, होम नाम रख दिया हमने। और तो अब हम क्या करेंगे, इस होम पेज को डिजाइन कर लेते हैं, राइट। थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। जब आप हाइव सर्च करेंगे तो आप देखेंगे हाइव से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ऑप्शन हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये सारे मिल जाते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देन यहाँ पे पैटर्न पे आ जाएंगे, तो पैटर्न पे आप देखेंगे अलग अलग तरीके का ऑप्शन दिखता है। मीडिया पे आ जाएंगे कि इमेज लगाने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इमेज का अलग अलग तरीके का जो ऑप्शन है, इमेज आपने बनाया है वो सारे इमेज, यहाँ पे फीचर्स, बैनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरीके के बैनर के ऑप्शन दिखते हैं जिनका यूज कर सकते हैं। हेडर में जाएंगे तो अलग अलग तरीके का आपको हेडर ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स में जाएंगे तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। फुटर ऑप्शन भी यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हैं, तो राइट। हेडिंग में यहाँ पे कवर का ऑप्शन आएगा, कवर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कवर में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये कलर हमने सेलेक्ट कर दिया, इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं फाइंड बेस्ट सर्विसेस नियर बाय, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे और सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसका साइज आप चाहें तो पतला कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर से सर्च करेंगे, यहाँ पे हाइव सर्च करते हैं, हाइव हमने सर्च कर लिया, और हाइव यहाँ पे सर्च ऑप्शन को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हाइव सर्च फॉर्म है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे देखेंगे हाइव सर्च ऑप्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे ये हाइव सर्च ऑप्शन ऐड हो गया कीवर्ड कैटेगरी के हिसाब से। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से हम ऐड करेंगे एक हेडिंग, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं और यहाँ पे हेडिंग कर देंगे, तो यहाँ पे लेंगे टॉप लिस्टिंग, ठीक है, और इसको हम सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद हम फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट ऑप्शन में हम सर्च करेंगे हाइव, यहाँ पे हाइव में यहाँ पे लिस्टिंग को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिस्टिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखेंगे तीन लिस्टिंग यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिस्टिंग के अलग अलग ऑप्शन है, तो देखेंगे तीन नंबर आप लिस्टिंग कितना दिखाना चाहते हैं, तीन नंबर आप कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग अपना, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे कैटेगरी भी आप सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे टाइटल के हिसाब से अगर आप चाहें, नंबर के हिसाब से जैसा आप चाहें वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्ट एग्जांपल मैंने तीन सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ये साइज आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं, जो चीज़ दिखाना चाहते हैं उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कंट्रोल, जैसे कि एड ऑन्स डेट हटाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये टॉप लिस्टिंग ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे टॉप कैटेगरी, तो यहाँ पे हेडिंग हम ऐड करते हैं, लिखते हैं टॉप कैटेगरी, और इसको भी हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। सेंटर में अलाइन करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैटेगरीज को, यहाँ पे देखेंगे लिस्टिंग कैटेगरी है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो देखेंगे ये तीन कैटेगरी दिख रहा है, हमने चार कैटेगरी, तो अगर हम चार करेंगे तो यहाँ पे नंबर आप चार करेंगे तो देखेंगे चौथा कैटेगरी भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, बट हम तीन ही दिखाते हैं, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं एक कॉलम में दो और दो कॉलम में चार, तो इस तरह से कैटेगरी ऐड हो जाएगा, बट हम क्या करते हैं तीन दिखाते हैं, और यहाँ पे हम एक कैटेगरी को हाइड कर देते हैं क्योंकि हम टॉप कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड करने के बाद हम हर एक कैटेगरी का डिटेलिंग कर देंगे, तो यहाँ पे हम ऐडिंग करते हैं पहले SEO, ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, और यहाँ पे
नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करते हैं लिस्टिंग को, यहाँ पे लिस्टिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी SEO, केवल SEO के यहाँ पे दिखेंगे। देन हम आ जाएंगे फिर से ऐड करेंगे हेडिंग, यहाँ पे लिखेंगे गूगल एड्स और यहाँ पे आने के बाद हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिस्टिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे गूगल एड्स। तो यहाँ पे अभी देखेंगे एक ही होगा, तो हाँ एक ही है, तो एक ही दिखाई देगा, जैसे बढ़ेगा वो दिखाई देगा, राइट। इसके बाद फिर आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, हेडिंग ऐड करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम आ जाएंगे लिस्टिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने वेबसाइट डेवलपमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन, अब यहाँ पे जैसे फुटर ऐड करना चाहते हैं, राइट, तो यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर पे और पैटर्न पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे फुटर का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग बहुत सारे फुटर के सेक्शन है, कोई भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारा फुटर हो गया, ठीक है। अब इसको हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे कस्टम लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम लिंक का आप जैसे कि यहाँ पे कस्टम लिंक का सॉरी लेबल का नाम दे दे SEO कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पे उसका URL दे देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ABC.com हमें लिख देते हैं, कोई नहीं, जस्ट एग्जांपल। और इसके बाद यहाँ पे फिर से हम ऐड पे क्लिक करेंगे गूगल एड्स, ठीक है। URL दे देंगे ABC.com, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं पेजेस को और यहाँ पे इसको भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी चाहें। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे लिस्टिंग, ठीक है। इसको हम इस तरह से कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको हम पब्लिश कर देंगे ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद, ठीक है। आप देखेंगे अभी हमारे होम पेज पर कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हमने चेंज कर दिया है और देखेंगे ये हमारा होम पेज हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा साइड में दिख रहा है, तो इसको हम सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। इसको हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, अपडेट करने के बाद फिर से देख लेते हैं। तो देखेंगे ये थोड़ा सा आप सही लग रहा है, फाइंड नियर बाई सर्विसेज, और यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी है, सर्विसेज है, और देन यहाँ पे टॉप लिस्टिंग है, टॉप कैटेगरीज हैं, SEO, गूगल एड्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे फुटर है, तो इस तरीके से बेसिक लिस्टिंग बन जाता है। अब अगर किसी को सामने से ऐड करना हो, किसी को रजिस्टर करना हो, लाइक आपकी वेबसाइट पे कोई नया यूजर आता है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे कि हम एक जगह दूसरी जगह पे खोले हैं, जब कोई नया यूजर यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करेगा तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हेडर अभी हम डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा, एकदम हमने बेसिक से डिज़ाइन किया है बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पे आप देखेंगे साइन इन का ऑप्शन, ऐड लिस्टिंग का ऑप्शन। तो जैसे ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करेगा बंदा तो उसको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये चीज़ें बनानी नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे अकाउंट रजिस्टर करके वो चीज़ें ऐड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जैसे बाहर से किसी को लिस्टिंग ऐड करना है तो इस पे क्लिक करेगा और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। तो जैसे कि हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं गूगल एड्स का, और यहाँ पे गैलरी से इमेज सेलेक्ट करेगा पहले, और यहाँ पे हम एक कोई जस्ट एग्जांपल के लिए इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टाइटल देगा गूगल एड्स मैनेजमेंट एट 200 पर मंथ, ठीक है। जस्ट एग्जांपल हमने ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऐड करेगा, तो लोकेशन जैसे मैं गुड़गांव डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने गुड़गांव डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे ईमेल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैंने एक डेमो ईमेल डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट URL, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट URL डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर भी डाल दिया, यहाँ पे जैसे 91 एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ, ये नंबर रियल नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देगा और यहाँ पे सबमिट लिस्टिंग पे क्लिक कर देगा, ठीक है। तो जब ये क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है थैंक यू फॉर लिस्टिंग गूगल एड्स मैनेजमेंट हैज बीन सबमिटेड, विल रिव्यू एंड एज सून एज पॉसिबल। इसको हम जब एडमिन अप्रूव करेगा तो ये सामने दिखेगा, ठीक है। रिटर्न फिर माय अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये लिस्टिंग हमने सबमिट किया है, अभी एक लिस्टिंग हमारा पेंडिंग है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में आने के बाद यहाँ पे लिस्टिंग पे जाएंगे, लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पेंडिंग में एक लिस्टिंग आया हुआ है। यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक करेंगे और देखेंगे ये लिस्टिंग आया हुआ है, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे इसको हम वेरीफाई मार्क करेंगे और यहाँ पे इसे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। जैसे पब्लिश करते हैं तो ये लिस्टिंग पब्लिश हो गया, अब ये लिस्टिंग सामने दिखाई देने लगेगा, राइट। तो इस तरह से ये लिस्टिंग देखिए हमने अभी ऐड किया है, तो ये लिस्टिंग हमें दिखाई देने लगा। तो इस तरह से लिस्टिंग कोई भी ऐड कर सकता है। और इसके बाद हम इसका हेडर डिजाइन कर लेते हैं, जो कि एक ऑप्शन बचता है। यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइजेशन में
कस्टमाइजेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे और यहाँ पे लोगो ऐड करेंगे। तो लोगो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये लोगो ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक जस्ट लोगो ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लोगो हो गया और उसके बाद साइट आइकन पे भी कुछ ऐड कर देंगे। साइट आइकन में जो चीज़ें अच्छी दिखती हैं मैं जैसे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट ये लोगो का ही आपके फॉर्मेट होता है साइट आइकन, तो यहाँ पे साइट आइकन ऐड कर देंगे जो कि यहाँ दिखता है, देखेंगे यहाँ पे दिखने लगा, राइट। इस तरह साइट आइकन भी बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाएंगे। कलर अगर आप चाहें तो जैसे कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर का ऑप्शन है, ठीक है, तो वो कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हेडर इमेज में, अगर हेडर में हेडर है तो इमेज अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपकी पब्लिश हो जाएंगी। तो बेसिक साइट जो है, बेसिक डिज़ाइन साइट का कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है।